काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार आसनसोल के पूर्व मेयर एवं पांडेश्वर के तृणमूल कांग्रेस विधायक जितेंद्र तिवारी केसरिया रंग में रंग गए। बता दें कि मंगलवार को हुगली के वैधवाटी में आयोजित सभा में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की उपस्थिति में जितेंद्र तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बता दें कि कुछ माह पूर्व तृणमूल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही जितेंद्र तिवारी के भी बीजेपी में आने की संभावना प्रबल हो गई थी, लेकिन ऐन वक्त पर केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो समेत कुछ अन्य नेताओं की नाराजगी ने उनका रास्ता रोक लिया था। लेकिन बाबुल सुप्रियो के अचानक जितेंद्र के प्रति नरम रुख ने उनका रास्ता आसान कर दिया। बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं, इसलिए परिवर्तन जरूर आएगा। अभी तक जय श्री राम के नारे का विरोध करने वाले जितेंद्र ने मन से जय श्री राम का नारा लगाकर सबको चौंका दिया। সকলের প্রিয় প্রাক্তন আসানসোল দিলীপ ঘোষ মহাশয়।